बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। ये वीडियो आज मेरे उन भाइयों के लिए है जिनको जो है ये जम पट्टी के अंदर ये जो चार सुराख होते हैं, जिन भाइयों को ये नहीं पता ये सुराख किस लिए होते हैं, उनके लिए ये मेरी आज की वीडियो है। और अक्सर ट्रैक्टरों की ये जो जम पट्टी है यहाँ से टूट जाती है, ये क्यों टूटती है, ये सारे मालूमात देने के लिए जो है आज हम ये वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो जो हैं ये आसानी से मिल सकें। और हमारा मकसद ये होता है कि हम जो अपना इल्म जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकें और उनके जो मसाइल हैं वो हल कर सकें, ताकि आपको किसी दूसरे के पास जाने की या पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको जो है अपने जो मसाइल हैं आपके वो आपके मोबाइल से ही आप हल कर सकते हैं, यूट्यूब से सर्च करके हल कर सकते हैं। तो ये जो चार सुराख हैं ये आप दे सकते हैं, मैंने देखी है जो पिन है ये दूसरे सुराख में डाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है। मैं ये ऊपर की तरह जो है ये लिखा हुआ लाइट, कुछ मीठा हुआ थोड़ा सा, और नीचे जो है ये लिखा आपको HAVY वाई, हैवी। हैवी का मतलब होता है भारी, ज़्यादा लाइट मतलब हल्का कम, यानी इसका मतलब है ये जो ऊपर वाले दो सुराख होते हैं ये जो हल्की ज़मीन होती है यानी जो नरम होती है, इतनी ज़्यादा सख्त नहीं होती, उनके लिए जो है ये जो ऊपर वाले दो सुराख होते हैं। और ये जो नीचे वाले दो सुराख हैं ये हैवी यानी भारी का मतलब है सख्त ज़मीन, जिसमें ट्रैक्टर का ज़ोर ज़्यादा लग सकता है, उसके लिए जो है ये नीचे वाले दो सुराख हैं। यानी अगर आपकी ज़मीन सबसे ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़ोर लगता है, हल चलाने में मुश्किल होती है, लेवर काबू नहीं होता, तो आप अपनी पीनी ये जो है सबसे नीचे वाले सुराख में डालेंगे। अगर उससे कम है आपकी ज़मीन सख्त, फिर ऊपर वाले में। इस तरह जो है अगर आपकी ज़मीन और नरम है तो फिर आप इस सुराख में डालेंगे, अगर आपकी ज़मीन रेतली है, बहुत नरम है, मैरा ज़मीन है, फिर आप ये सबसे ऊपर वाले सुराख में जो है अपनी टॉप लिंक डालकर चला सकते हैं। इनका मकसद ये होता है। तो हमारी ज़मीन तकरीबन दरमियानी सी है, ना रेतली ना सख्त, इस वजह से हमने जो है ये दूसरे सुराख में इसकी पिन डाली हुई है। ज़्यादा सख्त में चलाना हो फिर इसमें डाल लेते हैं, अगर और ही ज़्यादा सख्त में चलाना फिर हम जो है इस सुराख में पिन डाल ले सकते हैं। और ये इसके अलावा ये जो नीचे वाले दो सुराख हैं इनका एक और अहम जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये कि जब हमने हलों के ऊपर जो है ज़्यादा वज़न उठाना हो, लोड उठाना हो, तो फिर जो है ये टॉप लिंक जो है हमें चाहिए कि हमें सबसे नीचे वाले सुराख में डाल लें। सबसे नीचे वाले सुराख में डालने से ये फ़ायदा होगा कि हलों के ऊपर आप जितना मर्ज़ी जो है लोड डाल लें, ऊपर गट्टू वगैरह ला लें, गंदम के, जैसे हमने खेत में से गंदम के गट्टू उठाने या धान के गट्टू उठाने तो अक्सर हम जो है हलों के ऊपर रख के ले आते हैं, तो अगर हम ज़्यादा गट्टू उठा लें और हमारा हमारी टॉप लिंक जो है ये ऊपर वाले सुराख में होगी तो जो है टॉप लिंक ज़्यादा खींचेगी और जो है जंप पट्टी पे ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ से या कहीं से भी जो है जंप पट्टी टूट सकती है। तो अगर आप सबसे नीचे वाले सुराख में डाल लेंगे ये टॉप लिंक और हलों के ऊपर रूटर के ऊपर जितना मर्ज़ी आप लोड जो है वो डालेंगे तो जंप पट्टी के ऊपर इतना जो है असर नहीं होगा, जंप पट्टी के ऊपर जो है वो कंट्रोल कम हो जाता है जब आप नीचे वाले सुराख में टॉप लिंक डालते हैं। तो नीचे वाले सुराख में आप टॉप लिंक डालकर हलों के ऊपर लोड भी उठा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो जंप पट्टी है वो टूटने से बच सकती है। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई और मसला है जंप पट्टी का टूटने का, या कोई और आपके जहन में सवाल है इसके बारे में, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब देने की और आपके मसले का जो है हल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।